आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी पफी आईज है, आप उनको ठीक करना चाहते हैं, आई बैग्स को रिमूव करना चाहते हैं, तो नेचुरल तरीके से कैसे आप उनको 2 से 3 मिनट में रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, आपको अपनी आई की मसाज करनी है अपने हाथों से 2 से 3 मिनट के लिए और आपकी आई बैग्स बिल्कुल खत्म हो सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान और मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। कुछ मसाज आपको बताने वाली हूं, सिंपल सी मसाज है, आप डेली घर पर करें। इसके साथ ही आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जैसे फोन ज्यादा देखना, कंप्यूटर ज्यादा देखना, तो आप टाइम टू टाइम मतलब बीच बीच में आप गैप ले, आधे घंटे के बाद आप उठ जाएं, अपनी आंखों को ब्लिंक करें, ऐसे 20 सेकंड के लिए आप 20 बार ब्लिंक करें, इस तरीके से रिलैक्स करें और 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाएं। इस तरीके से आपने गैप देना। अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल फोन मतलब 2 से 3 घंटे तक आपको काम है या आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो बीच बीच में आपको गैप देना है, आंखों को रिलैक्स करना है। दूसरी चीज है, नींद जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप उठ रहे हैं, आपको कोई काम कर रहे हैं, दिक्कत हो रही, परेशानी होती है किसी भी चीज को लेके, और इसके साथ ही आप 7 से 8 घंटे या फिर 5 से 6 घंटे की नींद तो जरूर लें। इससे कम अगर आप सोते हैं तो भी चांस है कि बार बार आपकी आई बैग्स आ जाते हैं, आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। और खाना पीना तो चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपकी जो सारी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, सब दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं मसाज कैसे करनी है अपने हाथों से, ताकि हमारे आई बैग्स जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ये जो मसाज है आपको सुबह शाम दोनों टाइम करनी है, सोने से पहले और जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं सुबह के वक्त, तभी आप कर सकते हैं। थोड़े से ऑयल की जरूरत आपको पड़ेगी, तो ऑयल अपने आंखों के पास लगाना है। तो मैं तो कोकोनट ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छा ऑयल आपके घर में हो लेकिन नेचुरल हो, आप वो यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी आंखों के ऊपर लगाना है ऐसे। सबसे पहले हाथों को रब करेंगे और रब करने के बाद हथेलियों आंखों के ऊपर रखेंगे और कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। धीरे से हटाएंगे और धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अब आपके जो आंखों की साइड वाला एरिया है वहां पे हाथों को रखेंगे, हथेलियों को रखेंगे, आंखें बंद करके रखेंगे, ये भी होल्ड करेंगे कम से कम 10 सेकंड के लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, मुंह से सांस छोड़ेंगे, नाक से लेंगे। 10 सेकंड के लिए होल्ड करने के बाद धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे, हाथों को हटा लेंगे। अब जो आपकी आंखें, आंखों के नीचे आपको एक उंगली से टैप करना है इस तरीके से। कितना? 10 बार, कम से कम 10 बार, ज्यादा बार भी कर सकते हैं। इस तरीके से अब आप 2 उंगलियों से टैप करेंगे। कम से कम 10 बार जरूर करें। अब आप 10 बार ये करने के बाद अपनी 2 उंगलियां यहाँ पे रखेंगे और हल्का सा प्रेशर देके यहाँ पे होल्ड करेंगे इस तरीके से। आंखें बंद कर सकते हैं, पूरा रिलैक्स पाने के लिए आंखें बंद रखें, उंगलियां हटाएंगे, कम से कम 5 सेकंड के लिए होल्ड जरूर करें, यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे और होल्ड करेंगे। और यहां पे उंगलियों को रखेंगे, होल्ड करेंगे। ये आपको कम से कम 5 बार जरूर करना है। होल्ड रखेंगे 5 सेकंड के लिए, फिर हटाएंगे, फिर यहां पे होल्ड रखेंगे, फिर हटाएंगे, फिर यहां पे होल्ड रखेंगे, फिर हटाएंगे, ऐसे आपने कम से कम 5 बार, ज्यादा से ज्यादा आप 10 बार भी कर सकते हैं। ऐसे के बाद आप दोनों उंगलियों से
मसाज करेंगे इस तरीके से, अंदर से बाहर की तरफ ले जाएंगे ऐसे। कम से कम 10 बार। इस तरीके से। इसके बाद आप फिर से होल्ड करेंगे यहां पे, इसके बाद हाथों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए, धीरे से हाथों को हटाएंगे, आंखों को खोलेंगे। अब आपको 20 बार ब्लिंक करना है आंखों को। बीस बार ब्लिंक करने के बाद, जब आप 20 बार कर चुके होंगे, आंखों को बंद करके आप बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और जितना भी आप आंखों को बंद करके रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, जितना भी आपके पास समय है, या 1 मिनट के लिए, उतना आप बैठे, धीरे से आंखों को खोलेंगे और आप अपने काम कर सकते हैं, जो भी आपके रूटीन के काम है। तो अगर आपकी बार बार पफी आइज हो जाती है, तो ये जो मैंने मसाज आपको बताई है ये करें। इसके साथ ही जो भी मैंने आपको बताई है कि इस तरीके से आपको काम करना चाहिए, लैपटॉप का काम है, कंप्यूटर का काम है, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए और आगे जो भी आपका काम है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।